नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने सजीवों में अनुरक्षण कार्य में संगलिंग जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा है। जो वस्तु गतिशील होती है हम उन्हें सजीव कहते हैं। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि निवोद्भित कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेलकर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो यह गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, गुजाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती। यह गतियां जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया है। बिल्ली इसलिए दौड़ती होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोच सकते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भलीभांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत के ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण क्रियाकलापों में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के दुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग स्त्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकांश अथवा एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान से सिनेप्स को पार करते हैं
और अग्नि तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथ अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिका तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टकृत है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या होता है? What happens during reflex action? पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को बहुधा प्रतिवर्त कहते हैं। बहुधा प्रतिवर्त के समय किए गए क्रियाओं के बारे में हम विचार नहीं करते अथवा हम अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये वही स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हम अपना हाथ हटा लेना चाहिए। यदि यह वस्तुस्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देते हैं तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा जिस कारण हमें हमारा हाथ जल भी सकता है। शरीर के डिजाइन इस तरह की समस्या का हल कर सकती है। उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं के साथ जोड़ा जाए जो पेशियों को गति करती है तो जो प्रक्रम आगमन संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्यम में कहां होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान वही बिंदु है जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिले हैं। पूरे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। अद्यापि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। अद्यापि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी
प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन। मरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती नहीं है। मरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते भी हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है ये निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजना होता है। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु के निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समकलित करने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क में इस तरह के तीन मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं। इनके नाम अग्रमस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्रमस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्रमस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्नग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाया जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है, जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने पर्याप्त भोजन किया है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो हमारे अग्रमस्तिष्क में एक अलग भाग है। मध्यम मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो अनासाय ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय संपदन के बारे में हम न भी सोचे तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हम सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए नहीं सोचते। अतः सामान्य परिवर्ती क्रिया, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्यम एक और पेशी गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार
आना तथा वमन पश्चमस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चमस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सारांश समरी। हमने देखा है कि हमारे शरीर का नियंत्रण तंत्रिका कोशिका एवं पेशी ऊतक के सहायता से होती है। मस्तिष्क से मिली आवेग तंत्रिका कोशिका से होते हुए पेशी ऊतक तक पहुंचती है। हमने यह भी देखा कि प्रतिवृत्ति हमारे मेरुरज्जु में बने एक प्रतिवृत्ति चाप के द्वारा जाती है। अंत में हमने यह देखा है कि हमारे मस्तिष्क से सारे सोचने वाले काम जैसे लिखना, ताली बजाना इत्यादि के संकेत मिलते हैं। मस्तिष्क अनैच्छिक कार्य के संकेत भी देता है, जैसे कि सांस लेना, भोजन पचाना इत्यादि। धन्यवाद। थैंक यू।